उसे तो अपने गुलदस्ते की रौनक से ही मकसद है। He is only concerned about the glow of his bouquet। कहाँ फुर्सत है गुलची को कि दर्दे गुलिस्ता समझे। Where does he have the leisure or time to understand what the terror that passes through the garden as he plucks those flowers? ने देखे अनेक पीढ़ियों ने मानव जात को महामूल्य देने के लिए तपस्याएं की है। भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आजादी पाई, एक नई व्यवस्था तक के तहत हर हिंदुस्तानी आजादी के आंदोलन का सिपाही था। हर एक का जज्बा था देश आजाद हो सकता है हर किसी को बलिदान का सौभाग्य नहीं मिला हो सकता है हर किसी को जेल जाने का सौभाग्य ना मिला, लेकिन हर हिंदुस्तानी संकल्पबद्ध था। महात्मा जी का नेतृत्व था, सशस्त्र क्रांतिकारियों के बलिदान की प्रेरणा थी। In a time where we are saturated with so many images, endless blogs, websites, TV channels, Tumblrs, and YouTubers, as a result, there's a cutthroat race to gain the most amount of attention, and political news has to compete in this same realm. How can the rather dry issue of balancing the budget possibly compete with 10 awkward texts from your ex-girlfriend? The answer? Make politics more entertaining. Right at your fingertips. Adjust brightness, lighter, darker. Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Concept of global village, अब पूरा विश्व जो है वो एक गांव के रूप में सिमटता जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ इतना इवॉल्व हो चुका है, तो ऐसे में अगर हम सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ा भूमिखंड जो कि बहुत समय से कल्चरली एक रहा है, सोशली एक रहा है, अगर वो देखिए कंसेप्ट ये नहीं है कि क्या ये तीनों कंट्री एक बन जाएंगे, जो कल्चर एक है क्या उनका समन्वय रहेगा इकोनॉमी में भी? तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया हिंदू जनसंख्या घटाओ, ऐसा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बाकी लोगों की पढ़ रही तो आपकी क्यों नहीं पढ़ती? ये कोई व्यवस्था का प्रश्न थोड़ी है, ये समाज का वातावरण है। What is this depraved mentality? I have no answers for it. The problem has been there for a while. Under the surface, there has been a lot of anger, hatred, alienation. Now, never before has it seemed so much in the open. And now you have slogans put up, Indian dogs go back and things like that. It's bad. And the common Kashmiri is suffering. Now, I would relate all this to, unfortunately, to this alliance, to the BJP-PDP alliance.
अकल के अंधे और गांठ के पूरे इन भारतीय मंदूब को कौन पूछे कि कश्मीरियों के इंसानी हकूक का मसला अक्वामे मुत्तहिदा में ना उठाया जाए तो किस फोरम पर उठाया जाए। फौज को खुले इख्तियार दिए गए हैं, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और आप देखिए कि अब तो बीएसएफ को भी वापस लाया गया है। तो ये एक किस्म का पूरा की पूरी वादी को एक जेल खाने में तब्दील कर दिया गया है। हम क्या चाहते आजादी, हम क्या चाहते आजादी, अब मौला दे दे आजादी, पीर के सदके आजादी, शाह के सदके आजादी, कुरान के सदके आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, भारत से लेंगे आजादी, यारो सुन लो आजादी। In this episode, we're going to talk about power. How much power does a BB or pellet gun have? How dangerous are they? Well, we're going to shoot various objects in order to find out. लेकिन इसमें भी सुराख हो गया और उस वजह से pellets की speed कम हो गई and they didn't damage my retina. Otherwise, वो पीछे से बाहर आते हैं। लैपटॉप होना चाहिए, इन बालकों के हाथ में वॉलीबॉल का बॉल होना चाहिए, क्रिकेट का बैट होना चाहिए, मैदानों में मस्ती से खेल होना चाहिए, हाथ में किताब होनी चाहिए, मन में सपने होने चाहिए। आज ऐसे निर्दोष बालकों के हाथ में पत्थर पकड़ा दिए जाते हैं। और अब खबर पाकिस्तान की नापाक हरकत की। G20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, जम्मू के पुंछ सेक्टर में गोलियां दागनी शुरू कर दी। आधी रात के बाद सीमा पार से बरसे गोले, सरहद पार से दागी गई गोलियां, पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। On the Indian side, the mainstream narrative revolved largely around what would be an appropriate form of retaliation. Kashmir, territory that both sides claim, has seen clashes, protests, and curfews. The rhetoric on the Indian and Pakistani airwaves, where news channels often provide more heat than light, had already been ratcheted up. The cross-border attacks have taken the talk of war to another level. This is a precarious situation. And the media are not making the job of diplomats and governments any easier. Sarkov published a short story about something he called non-linear war. A war where you never know what the enemy are really up to. The underlying aim, Sarkov says, is not to win the war, but to use the conflict to create a constant state of destabilized perception. अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। हम डरते नहीं अड़बंगों से, विस्फोटक जलपोतों से, डरते हैं ताशकंद, शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती, सिंहों की औलाद नहीं। प्रतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर भूल गए, 65-71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेटन टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी जटों ने अमरीकी जट चला डाला। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले, अब के चल के छुड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जनाब आला, पाकिस्तान पिछले 10 सालों में अमेरिका से 18 बिलियन डॉलर की रकम मौसूल कर चुका है। कहीं मैंने भूख से बिलकते मासूम बच्चों की आवाजें सुनी तो कहीं पे मैंने नुजरा के फिरंगी कुत्तों को सैर होते देखा। मैं क्या बताऊं, मैंने क्या क्या देखा, ड्रोन हमलों में मरने वालों की लाशों को देखा, कई औरतों के उजड़ते सुहागों को देखा, कई नौजवानों को हाथ में डिग्रियां लिए बेरोजगारी के एवज पार्लियामेंट हाउस के सामने आग में झुलसते देखा, कई मैंने बुजुर्गों को पार्लियामेंट हाउस के सामने पेंशन ना मिलने की खातिर हलाक होते देखा। जनाब आला, मैंने इस मुल्क के हर शहर हर कूचे में कर्बला का मैदान देखा। Go to a vagina orchard. Count 1, 2, 3. Spin that plant around. You got a third world country. That's right. Having a twin tower sale
for the anniversary of the 9/11 terrorist attacks this weekend. But to many on social media, the concept of the sale was immediately taken as offensive. You don't see people making fun of things that happen at Pearl Harbor when, you know, the Japanese attacked us. You don't see people making fun of any other war. So why is a terrorist attack on such monumental buildings? Okay. साधे जम्मू कश्मीर में दक्षिण सिक्किम के उरी में आत्मघाती हमला हुआ है। आतंकियों ने आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना की स्पेशल फोर्स को पैराड्रॉप किया गया और सभी आतंकियों को मार गिराया गया। We are of course not giving away any operational details whatsoever. दरअसल आतंकी जो थे वो सेना की वर्दी में आए थे, लेकिन उनके पास जो सामान था, उनके पास जो हथियार थे, उसमें पाकिस्तान की छाप साफ दिखाई देती है। In all, 8 terror launch pads have been destroyed. At least 35 to 40 terrorists, that's the minimum number. At least 35 to 40 terrorists have been killed. The duration of the Indian surgical strikes is between 12 midnight last night and 4:30 this morning. ये कैसे हो सकता है कि जिसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो उसको पता ही ना हो और वो खुद ही कहें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और अभी खत्म कर दी। गाड़ी से दलित युवकों को बांधा गया है वो जाइलो है, महिंद्रा का स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी। हमारी आधुनिकता और प्रगति के प्रतीक इस एसयूवी की कीमत 8.5 से 10 लाख के बीच है। आधुनिकता की पीठ से 4 दलित युवकों को बांध दिया गया है। इन्हें जिस नफरत से मारा जा रहा है वो न जाने कब से हमारे समाज में है। Show them the crowd, press. Show them the crowd. Show them the crowd. Look, they're not turning the cameras. They don't even turn the cameras. They don't even turn the cameras because you know what? They're very dishonest people. You're still here. Why? What are you waiting for?